तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम पावर बीआई पे डिस्कस कर रहे हैं और पावर बीआई पे हम आपके साथ ये जो हमारा गैंट चार्ट है, सुनो स्पीडोमीटर ये बोलते हैं एक्सेल के लिए, लेकिन तो यहाँ पे गैंट चार्ट है, इस गैंट चार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या है। जैसे कि हमने यहाँ डेटा लिया हुआ है राइट, और यहाँ पे हमारा टोटल है, तो जैसे हम टोटल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ टोटल हमारा आ जाता है कि टोटल आखिर है कितना, टोटल जैसे कि टोटल, लेकिन इसे चार्ट में आ गया, अगर मैं इसको टेबल में करूँ तो यहाँ पे टोटल फिगर आता है 37,367 राइट। तो इसको एक जब हम इसको गैंट चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से स्पीडोमीटर के आसपास आता है, तो ये यहाँ पे देखिए फुल हो जाता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो ये मीटर दर्शाता है कि आप आपके जो टारगेट था, टारगेट से कितना परसेंट अचीव हुआ वगैरह वगैरह। लेकिन इसकी भी एक फॉर्मेटिंग है, जैसे कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू बाय डिफॉल्ट लेता है और मैक्सिमम वैल्यू में क्या होता है आपकी टोटल में और मल्टीप्लाई करके आगे करके मतलब कि डबल कर देता है। लेकिन आप यहाँ पे अपना मिनिमम मैक्सिमम डाल सकते हैं और टारगेट भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे डालें, तो इसके लिए हम मॉडलिंग बात है, अगर मान लीजिए आपके पास फिक्स है, एकदम फिक्स कुछ है तो भी आप कर सकते हैं। जैसे मेरा मान लीजिए कि हमारा जो है जो किसी और डेटा से या किसी और मंथ से भी हम ले सकते हैं इसमें, या फिलहाल मंथ और डेटा छोड़ देते हैं। अभी हमें क्या करना है कि हमारा मिनिमम जो है जीरो होगा और मैक्सिमम जो होगा वो होगा हमारी टोटल सेल्स जो है, टोटल सेल्स ये जो सेल्स आया है हमारा, ये सेल्स मान लीजिए कि एक महीने का है, समझे, ए सेल्स मान लीजिए एक महीने का है, तो उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब ये मंथली है टोटल हमारा, तो इसका मैक्सिमम, एक मैक्सिमम आपको निकालना पड़ेगा क्या होना चाहिए। तो अगर अलग अलग कंपनी के अलग रूल्स होते हैं, एक कंपनी हमने देखा था बोला कि जो टोटल है, टोटल सेल्स की जो ओवरऑल टोटल है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई बाय 12 कर देते हैं, ये हमारा मैक्सिमम सेल होता है पूरे साल का। तो ये चीज़ भी हम यहाँ कर सकते हैं इसे मॉडलिंग में, इसके लिए हम यूज़ करेंगे मेजर्स को, मेजर्स क्योंकि हमें एक ही जगह पे पूरी टोटल चाहिए। तो मेजर्स में हमने यहाँ पे लिख दिया मैक्स, मैक्स एस, और यहाँ पे हम दे देते हैं सम, और सम में डाल देते हैं अपना टोटल और फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो। और यहाँ मैक्स यहाँ आ गया, अब इस मैक्स को उठा के मैं मैक्सिमम में डाल देता हूँ, तो यहाँ पे देख रहा है आपने देखा आपने। और बात की एवरेज की, यहाँ पे टारगेट कि आपका टारगेट कितना है, तो टारगेट अगर फिक्स है आपका कि मुझे टारगेट में 50,000 होना चाहिए सेल, तो आप मेजर्स में जाएं और यहाँ टारगेट कर दें, और टारगेट में मान लीजिए मुझे 50,000 सेल होना चाहिए, ये भी कोई फॉर्मूला से कैलकुलेट होके आएगा तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ टारगेट इस पर सिलेक्ट करता हूँ और टारगेट को उठाता हूँ और टारगेट को यहाँ पे रख देता हूँ, या फिर मैं इसको अलग तरीके से आपको समझाना चाहूँ, एक अलग शीट पे मैं एक नया शीट बनाता हूँ जिसमें मैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, नेम, और यहाँ पे हम ये करना चाहते हैं कि मिनिमम सेल्स क्या होना चाहिए। होता है ना कॉल सेंटर आप जाते हैं तो भाई मिनिमम आपको 200 से कॉल करने ही है, और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, और आपका टारगेट
टारगेट क्या है, इस मंथ टारगेट, मंथ टारगेट क्या है, मंथ टारगेट क्या है, ठीक है। नेम्स लेते हैं, डेटा लेते हैं बस, और मिनिमम हम यहाँ बोलते हैं कि मिनिमम 100 से 500 होता है, हर किसी का अलग अलग होता है सर। मैक्सिमम जो होता है हमारा वो होता है 1000 से 1500, और टारगेट हमारा है 1000 कि हर किसी का सेल्स है हमारा। और यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे डेट भी दे देते हैं, मंथ दे देते हैं, मंथ एक बार इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। यहां से हम यहां डिलीट कर देते हैं, मैं डेटा लेना है हमें इसलिए। और यहां हम होम में आते हैं, गेट डेटा फ्रॉम एक्सेल, हमने इसको लोड कर दिया। अब यहां पे हम सबसे पहले तो मैक्सिमम मिनिमम अब इसमें सेल तो है नहीं, हमने छोटी सी गलती कर दी, हमने अपने फाइल में सेल्स तो दिया ही नहीं, फिर वापस आना पड़ेगा।
कुछ डेटा करता हूँ, सेल्स आ गई। तो इसमें हम यहाँ पे सबसे पहले सेल्स उठाते हैं और यहाँ रखते हैं और इसको हम गैट चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट इसको उठाया और हम वैल्यू में रखते हैं, ये आ गया। और हमने बोला कि मिनिमम को हम यहाँ मिनिमम में रखते हैं, मैक्सिमम को यहाँ हम मैक्सिमम में रखते हैं और मंथ टारगेट को हम यहाँ मंथ टारगेट में रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं काउंट ऑफ सेल्स आ गया। एक बार इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे काउंट की जगह पे एक बार सेल्स काउंट नंबर नहीं आई थी तो डेट में आते हैं और ये रहा सेल्स। इसको कन्वर्ट यहाँ पे मॉडलिंग में डेटा टाइप टेक्स्ट के जगह पे इसको हम नंबर होल नंबर कर देते हैं। अब यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए समरी में और यहाँ काउंट ऑफ सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सम मिल जाएगा, ठीक है सर। तो ये आपका हुआ, लेकिन ये मंथ टोटल नहीं है, इस पर आप यहाँ से स्लाइसर लगा सकते हैं। ये आपका स्लाइसर है, स्लाइसर्स में हम यहाँ नेम और मंथ को डाल देते हैं। अच्छा, एक स्लाइसर में एक ही आता है, इसमें एक स्लाइसर में एक ही आता है, फिर वापस स्लाइसर, इसमें हमने मंथ डाल दिया। तो यहां से आप कर सकते हैं, तो यहां पे आप मंथ को सिलेक्ट करेंगे तो मंथ बाय आएगी। मंथ को मैं हटा देता हूं और यहां पे सिलेक्ट करता हूं तो ए वन बाय वन करके आप देख सकते हैं। हाँ नहीं, ये बेसिकली लिंक है ना, अमर सिर्फ दिसंबर में ही है, देख रहे हैं ना आपको सर, क्योंकि हमने आज की फिल्टर कर दी है इसलिए। हाँ सर, यहाँ पे जैसे हटाया, जैसे मैंने फिल्टर हटाया यहाँ पे दिख गया आप पूरा लिस्ट। तो एक गैंट चार्ट का यूज होता है। तो गैंट चार्ट में आपने देखा कि आप कैलकुलेट करके भी डाल सकते हो और आप किसी कॉलम को भी रख सकते हो, उसका भी मैक्सिमम मिनिमम डाल सकते हैं सम करके, ठीक है। इसकी फॉर्मेटिंग की बात करें, सागर जी कहाँ चले गए थे, इसकी फॉर्मेटिंग की बात करें तो इसका एक्सिस है यहाँ पे आपका डेटा, तो यहाँ पे आप जो है अपना कलर की कलर कैसा होना चाहिए और जो टारगेट है आपका, ये टारगेट है, टारगेट ये कलर कैसा होना चाहिए, डेटा कलर्स, डेटा लेबल्स, आपको डेटा लेबल रखना है या नहीं रखना है वो होता है। डेटा लेबल डालते हैं सबका, ये लेबल्स आ जाते हैं, उसका कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। टारगेट, जो टारगेट है उसका कलर चेंज कर सकते हो, जो टारगेट 288 के लिखा हुआ है उसका चेंज कर सकते हो, उसकी साइज वगैरह यहाँ पे। बाकी वही है टाइटल्स, टाइटल आप सेल्स मिनिमम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेल्स रिपोर्ट या कुछ भी आप देना चाहें दे सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा। और इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं यहाँ से आप। उसके बाद यहाँ पे बाकी तो नॉर्मली है जो सब में आपने किया है। तो गैंट चार्ट क्या होता है कि आपका टोटल सेल्स को कंपेयरिंग कर सकते हैं उसके टारगेट से, उसके मिनिमम से, उसके मैक्सिमम से, ठीक है सर। जो स्लाइसर दिया, ये स्लाइसर सिर्फ इस पे ही काम नहीं करता है, हर किसी पे दिखता है। मुझे मान लीजिए मुझे सिर्फ एक
फरवरी महीने का देखना है तो फरवरी महीने का मुझे यहाँ पे आ जाता है कि 11 केस का ए है मिनिमम था और मैक्सिमम 35 के डिफाइन था, हुआ था 24 और टारगेट भी हमारा 24 के का था, ठीक है। ये देखिए टारगेट हमारा 25 के का था और हमारा 22 के हमने किया है, ठीक है। टारगेट हमारा 24 के का था और हमने 25 के किया है, लेकिन मैक्सिमम करना था 34 का मैक्सिमम था, मिनिमम हमारा 14 का था, ठीक है सर। तो यहां पे इस तरह से देखने के लिए यूज किया जाता है, ओके। तो अब यूज कर लेंगे गेट चार्ट। तो विजुलाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ है जैसे कि आपका आर है, तो आर तो मैं कोर्स में कराऊंगा, मैंने पहले मना किया था, आर और पैथन इस कोर्स में नहीं है, वरना आर की स्क्रिप्टिंग यहां से इंपोर्ट कर सकते हैं आप। और ये भी आपका क्यू इन्फ्लुएंस होता है, और ये आपका क्यू क्वेश्चन एनालिसिस में बताया था कल कि आप कुछ ऐसा कमेंट देना चाहो कमेंट दे सकते हो। ये आपका आता है ARG पावर मैप ऑफ फॉर BI, लेकिन जो सर्विस परचेज करना होता है वरना आपके पास बाय डिफॉल्ट तो बिंग से, क्योंकि जो मैप होता है हर मैप सर्विसेज है मैप की आपकी, एक बिंग की है एक आपका इसकी है ARC की है, तो ये मैप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या है कि इसको परचेज करना होता है, सही से वर्क तभी करता है जब इसको परचेज करेंगे तब, ऑनलाइन होता है इसमें ID डालना पड़ता है, होगी। अब बात हम अब हम बात करेंगे अपने कैलकुलेशंस की, कि अपने डेटा के अंदर कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन के बाद फिर हम रिलेशनशिप के बारे में इस टैब पे आएंगे, मॉड्यूल टैब पे, और रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। हाँ देखिए, ये जो आपका रियल टाइम अपडेट नहीं होता है, पहले जान लीजिए, आपको रिफ्रेश करना होता है। यहाँ पे दिख रहा है आपको रिफ्रेश डेटा, जब डेटा जब तक आप रिफ्रेश नहीं करोगे तब तक आप पे अपडेट नहीं आएगा, जैसे लाइक पिवट की तरह है। हाँ जी सही समझा, एक बार रिफ्रेश कर बस। पिवट की हमने बताया था शुरुआत में कि पिवट की तरह होता है, जैसे आप जैसे रिफ्रेश करते हैं तो क्या करता है, अपने डेटा जो भी आपके जो ओरिजिन में डेटा है उसको कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देता है। अभी जैसे मान लीजिए डेटा फाइल से कनेक्टेड है, मैं डेटा फाइल डिलीट भी कर दूं फिर भी ये वर्क करेगा, कब तक, जब तक कि मैं रिफ्रेश ना करूं। रिफ्रेश करते ही डेटा को रिपीट करेगा और वहां पे दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो जस्ट लाइक पिवट टेबल की तरह चलता है, जैसे पिवट टेबल को रिफ्रेश करना होता है ऐसे इसको भी रिफ्रेश करना होता है। लेकिन आप इसके अंदर जो भी कैलकुलेशन करेंगे, जैसे मान लो कैलकुलेट करते हैं, तो आपको रिफ्रेश की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा।